हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 3.4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3 करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट हम शुरू करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 3 में मैट्राइसिस से ज़्यादा हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ होने वाला है। तो मैं आपको पहले लॉजिक सिखा देता हूँ। हम देखिए, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा P(1), उसको LHS और RHS प्रूव करूंगा। तो P(1) इज ट्रू। सबसे पहले P(1) को ट्रू करूंगा और सपोज करूंगा P(K)B ट्रू, और नेक्स्ट, और उसके बाद P(K+1) को LHS टू RHS प्रूव करने वाला हूं। बस पूरी एक्सरसाइज में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही लगने वाला है। तो अब देखिए, चलिए सम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के। नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। 3, 2, 1, चलिए एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट सम है A=0100 और I=1001, और मुझे प्रूव करना है AI+BA^n = A^n(i+n A^n-1BA, राइट? अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो मुझे प्रूव करना है ना, इसको मैं यहाँ पर P(n) लिख दूंगा, P(n). अब सबसे पहले मैं P(i) प्रूव करूंगा। तो P(1) में LHS इज इक्वल्स, यहाँ पर n की जगह पर सिर्फ 1 प्लेस करना है, n की जगह पर 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा AI+BA, राइट? और सिमिलरली RHS में भी 1 पुट करूंगा n की जगह, तो हो जाएगा AI+BA। सो P(1) इज ट्रू, राइट? सॉरी, यू ज्यादा हो गया। P(1) इज ट्रू, और मैं सपोज करूंगा लेट P(K)B ट्रू। ओके, P(K)B ट्रू, सो n की जगह वेर K belongs to n, राइट? अब मैं P(K) यहां पर लिखूंगा। P(K) की वैल्यू है AI+BA। ऊपर वाला जो ये इक्वेशन है ना, येलो कलर में लिखा है, उसमें सिर्फ n की जगह पर k डालूंगा, तो हो जाएगा A^k(i+k A^k-1BA। ओके, चलिए आप लिख लीजिए, मुझे जाना है नेक्स्ट पेज पर। इन 3, 2, और अब मैं इसको, सबसे पहले मैं अब P(K+1) प्रूव करूंगा। उसमें सबसे पहले LHS प्रूव करूंगा। LHS हो जाएगा AI+BA^k+1, और अब मैं क्या करूंगा, ये जो K+1 है ना, इसको अब स्प्लिट करने वाला हूं, तो हो जाएगा AI+BA^k (AI+BA)^1, राइट? आपको पता चला ये वाला स्टेटमेंट, K+1 की जगह सिर्फ K और 1 को अलग कर दिया, राइट? अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को इसमें पुट करने वाला हूं, तो यहां पर हो जाएगा A^k(i+k A^k-1BA (AI+BA)^1, राइट? अब मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा टर्म आ जाएगा A^k+1 I² + A^k(iBA+k AB(AI+k A^k-1)
रेज टू के माइनस वन और बी स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, ये मेरा टर्म आ गया है LHS में. पर इसको आगे प्रूव करने के लिए मुझे ए स्क्वायर पहले यहां से ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मुझे सबसे पहले ए स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा. राइट, ए स्क्वायर मेरे से मिल जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू दे रखी है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर बनाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा. ठीक है, सबसे पहले 0100 इंटू 0100, तो मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा 0000 इज इक्वल्स टू ओ. राइट, अब ए स्क्वायर को मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ. ओके, मुझे अब लिख लीजिए, मुझे चलना है नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1. चलिए, अब तो मेरा LHS बन जाएगा a रेस टू k प्लस वन i प्लस a रेस टू k b a इंटू k प्लस वन. ओके, और अब मैं RHS को भी यहां तक लाने की कोशिश करूंगा. तो मेरा RHS यहां पर दिया हुआ है a रेस टू k प्लस वन i प्लस k प्लस वन इंटू ए रेज टू के प्लस वन माइनस वन. यहां पर एन था, मैंने यहां पर के प्लस वन डाला इंटू बी ए. बस अब वैल्यू पुट करेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर LHS और RHS मैच हो जाएगा. यहां पर हो जाएगा के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए रेज टू के बी ए. बस फ्रेंड्स, तो बस हमारा LHS और RHS मैच हो गया रहा है. यहाँ पर लिख देंगे सो पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू. और यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ेगी बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन. ओके, बस ये सब हमारा सॉल्व हो चुका है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर. आप लिख लीजिए इन 3 2 1. चलिए, ये सम थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर. सेकेंड सम भी PMI से ही होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, तो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ. हमें दिया हुआ है A3x3 मैट्रिक्स है, इसमें 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 और 1. और अब और हमें दिया हुआ है a रेस टू n इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 रेस टू n माइनस 1 डॉट 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 3 रेस टू n माइनस 1 3 रेस टू n माइनस 1 डॉट 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 सब जगह 3 रेस टू n माइनस 1 और यह है 3x3 मैट्रिक्स. ओके, हमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ यही करना है a रेस टू n इज इक्वल टू 3 रेस टू n माइनस 1, ये वाला हमें प्रूफ करना है. इसके लिए मैं सबसे पहले करने वाला हूँ, अब देखिए ध्यान से. सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करने वाला हूं. n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले प्रूव करने वाला हूं. सबसे पहले LHS इसमें हो जाएगा LHS इज इक्वल्स टू a रेस टू 1 इज इक्वल्स टू a और RHS मेरा हो जाएगा RHS इज इक्वल्स टू 3 रेस टू पावर, मैंने 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया और यहां पर हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 1. यहाँ पर हो जाएगा 3 रेस टू 0 तो 1, तो यहाँ पर 1 डॉट 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 1 1 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a. तो LHS और RHS सेम है,
यहाँ पर लिख देंगे पी ऑफ वन इज ट्रू। ओके, अब मैं सपोज करूंगा लेट पी ऑफ के बी ट्रू। ओके, पी ऑफ के बी ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू एन इज इक्वल्स टू के वेयर के बिलोंग्स टू एन। सो पी ऑफ के मेरा यहां से बन जाएगा ए रेज टू के इज इक्वल टू थ्री को मैंने कॉमन ले लिया थ्री रेज टू के माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा वन 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 और वन वन और वन। ये आपको इक्वेशन ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स कि आगे हमें काम आने वाली इसी सम में। अब मैं करूंगा एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करूंगा यहाँ पर हो जाएगा एल एच एस ए रेस टू के प्लस वन। सो ए रेस टू के इंटू ए रेस टू वन सो थ्री रेस टू के माइनस वन इंटू यहाँ पर वन वन के दो कॉलम पड़ेंगे यहाँ पर भी सेम ओके। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये आंसर आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन आप कर देना, मैंने 3.1 3.2 में सिखाया था। और अब इस सब में से थ्री कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री रेस टू के इंटू वन 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 और वन वन और वन। ओके, अब ये हो गया हमारा एल एच एस। अब आर एच एस को भी ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, राइट। आर एच एस में हो जाएगा थ्री रेस टू के प्लस वन माइनस वन इंटू यहाँ पर तो वन वाला ब्रैकेट एज इट इज। ओके, सो हमारा थ्री रेस टू के इंटू एल एच एस और आर एच एस इक्वल होने वाले हैं। आपको दिख रहा है फ्रेंड्स एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो गए। सो पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। और आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा एन बिलोंग्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन पी ऑफ एन इज ट्रू। ओके, चलिए ये सम भी हमने सॉल्व कर लिया है। आप थर्ड वाला सम कर लेना क्योंकि ये दोनों मैंने फर्स्ट टू सम्स कराए ना उसके बेसिस पर ही है। ओके, अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ सम, आप लिख लीजिए इन थ्री टू वन। चलिए फोर्थ सम है, यह हुआ इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमें दिया हुआ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इज इक्वल्स टू बी। ओके, सिमेट्रिक का मतलब यही होता है। इसको मैं सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। सो हमें बोला हुआ है कि ए बी माइनस बी इज क्यू सिमेट्रिक, वो हमें प्रूव करना है। तो मैं सपोज करूंगा लेट डी ए बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए बी माइनस बी ए। अब क्या करूंगा, ये दोनों पर डैश कर दूंगा, हो जाएगा डी डैश इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए का होल डैश। अब मैं स्प्लिट करूंगा डैश को, हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए का डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, क्योंकि डैश होने से मल्टीप्लीकेशन उल्टा पुल्टा हो जाता है, राइट। यहाँ पर हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ये हमारा है डी डैश, ये डी डैश और हमारा ये डी डैश हो जाएगा। इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश। और फ्रेंड्स अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ पर हमारा डी क्या था, राइट।
हो जाएगा डी डैश इज इक्वल्स टू डी था हमारा ए बी माइनस बी ए, राइट, तो हो जाएगा माइनस बी। ओके ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट, तो डी डैश इज इक्वल्स टू माइनस डी, बस यही हमारा आंसर है। आप लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। चलिए फिफ्थ सम है हमारे पास, शो दैट द मैट्रिक्स, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत ही आसान सम, बहुत ही आसान सम, पर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा इसलिए मैं करवा रहा हूं। ये बी डैश ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों प्रूफ करना है। सो इफ ए इज, इसमें सपोज कर रहा हूं इफ ए इज सिमेट्रिक, सो ए डैश इज इक्वल्स टू ए, राइट। तो अब बी डैश ए बी को होल डैश करने वाला हूं, तो हो जाएगा बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश। मैंने यहां पर इस इक्वेशन में क्या किया, ये जो बी था ना ए को एज इट इज रखा, ए एज इट इज, और ये जो बी डैश है ना वो आगे आ गया यहां पर, और ये बी डैश का होल डैश था ना वो यहां पर आ गया, राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, आप यहां पर हो जाएगा बी डैश ए डैश और बी, ओके। पर ये क्या था, ये डैश किया ना, बी डैश ए बी का होल डैश किया, तो वही वही मैट्रिक्स आ गया, राइट। सो बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और हमने यहां पर ए बी सिमेट्रिक लिया था, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, अब बी को स्क्यू सिमेट्रिक ले, ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेने वाला हूं, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, तो यहां पर हो जाएगा ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए, राइट। सो बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश बी डैश का होल डैश, और मैंने यहां पर वैसे ही किया जो अभी पहले किया था, बी डैश का डबल डैश एकदम आखिर में और बी डैश आगे आ गया, राइट। अब यहां पर लिखेंगे हम बी डैश ए बी का होल डैश, यहां पर ए डैश क्या होता है, ए डैश का माइनस ए यहां से मैं लिखने वाला हूं, तो हो जाएगा माइनस बी डैश ए बी, ओके। तो यहां पर हो जाएगा इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। और यहां पर ए बी मैंने स्क्यू सिमेट्रिक लिया था, आपको पता चल रहा है ए वेरी कर रहा है तो यहां पर भी सेम हो रहा है, तो बस यहां पर लिख देंगे डायरेक्ट। सो ए मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, सो बी डैश ए बी वेरीज एज इट इज सिमिलर टू ए, राइट। अब आप लिख लीजिए, मैं करा रहा हूं नेक्स्ट सम इन 3 2 1। चलिए अब सिक्स सम करवा रहा हूं, सिक्स सम है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, पर यहां पर दिया हुआ है ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू आई, यहां पर दिया हुआ है। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं यहां पर ए डैश लिखूंगा, यहां पर ए एज इट इज, और यहां पर आई लिख दूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां पर ए एज इट इज कॉपी करूंगा, एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, यहां पर डैश करने वाला हूं
z यहाँ पर माइनस है। ओके, अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो मेरा यहाँ पर एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनने वाला है। ये i तो एज इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, राइट। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x2, यहाँ पर xy-yz। आपको याद है ना कि क्या करते थे मल्टीप्लीकेशन में, दिस इंटू दिस और सिमिलरली दिस इंटू दिस, इसको रो में और इसको कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस xz+xz, xy-5x, 6y2, यहाँ पर 2yz-2yz, xz+yz, यहाँ पर 2yz-yz-yz, और यहाँ पर है 3z2। बस अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे, आप लिख लीजिए, मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना है। 3, 2, 1, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है, 2x2 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर 6y2, यहाँ पर 3z2 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, 2x2 इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज इक्वल्स टू +or -1/√2। सिमिलरली 6y2 इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू +(-1/√6). सो 3z2 इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू +(-1/√3)। बस यही तो हमारा आंसर है। एक्स और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये सम भी हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर, इन 3, 2, 1। चलिए, सेवन सम करवा रहा हूं अब। आप देखिए यहां पर है 1, 2, 1, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x = 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूँ, यह है 3x3 मैट्रिक्स और यह है 3x1 मैट्रिक्स, राइट। ये और ये हो जाएंगे यहाँ पर 1 2 1 एज इट इज। यहाँ पर सिर्फ कॉलम एक ही बनेगी, 0 2 x = 0। तब मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो हो जाएगा 4 -4x = 0, सॉरी प्लस है, तो 4x = -4 और x = -1। बस यही हमारा आंसर है, आप लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इन 3, 2। अब मैं करवा रहा हूँ 8th सम, थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए 8th सम करवा रहा हूँ मैं, 8th सम है, a = 3 1 -1 2, और मुझे प्रूव करना है a² - 5a+7i = 0। ये तो बच्चों वाला है फ्रेंड, हमने 3.2 या 3 में किया था ना, 3 में सॉरी 3.2 या 3.3 में किया था, तो मैं फिर भी इसको प्रूव करने वाला हूँ। LHS = a² मतलब a into a, 3 1 -1 2 -5 into a, 3 1 -1 2 +7
इंटू 1 0 0 और 1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो आप वेरीफाई कर लेना, आंसर आ रहा है 8 5 -5 3 -5 15 5 -5 10 + 7 0 0 और 7। माइनस प्लस करने के बाद मिल जाएगा यहाँ पर 0 8 माइनस, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 8 -5 15 -7 और 7, तो 0 0 0 0 ऐसे मिल जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा अल्टीमेटली 0 = RHS। बस ये सम भी हमने सॉल्व कर लिया है, आप लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3 2 1। चलिए मैं करवा रहा हूँ नाइन्थ सम। नाइन्थ सम वो सेवन्थ सम के सिमिलर ही है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस, x -5 -1 यहाँ पर है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 यहाँ पर है x 4 और 1 = 0। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ, 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ ऐसा जो होगा 1 क्रॉस 3, ये एज इट इज है x 4 और 1 = 0, राइट। यहाँ पर हो जाएगा x -2, यहाँ पर है -10 और यहाँ पर 2x -8, ओके 2x -8। अब अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा दिस इनटू दिस, राइट, x²-2x -40 + 2x -8 = 0। सो यहाँ पर हो जाएगा x²-48 = 0, x = ±4 √3। बस फ्रेंड यही तो हमारा आंसर है, आप लिख लीजिए। अब इस लेक्चर को एंड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बाकी थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है और मुझे पूरी की पूरी एक्सरसाइज करवानी है। एक एक सम में अपना छोड़ा है वो आपको आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वाले को देखकर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी आगे की पूरी एक्सरसाइज मैं ही करवाने वाला हूँ। चलिए आपको होमवर्क में सिर्फ ये सम्स मैंने जो करवाया ना वो एक बार आप देख लेना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्सरसाइज 3 में कुछ ज़्यादा है ही नहीं। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय। Just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.